ਇਹ ਵਸੀਮ ਤੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪਵਾ ਰਿਆ ਸੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋੜਨੇ ਜੋੜਨੇ ਜੋੜ ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫੁੱਟੀ ਪਾ ਓਏ नाजरीन इस टाइम आप देख सकते हैं कि मैं पंजाब के खूबसूरत गांव में मौजूद हूं और यहां पर ज़मीनें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं, इस वजह से बैलों की मदद से पानी जो है ना, ये देखें आप, पानी निकाला जा रहा है बैलों की मदद से। तो अभी इस तरफ खेत को पानी भी लग रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बैलों की मदद से पानी जो है निकाला जा रहा है। और ये बहुत ही पुराना तरीका है जो आज भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम को पंजाब के अंदर झलार बोला जाता है, जो कि ज़मीनों को शराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश में इसे पर्शियन व्हील भी बोलते हैं। तो जी नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ पंजाब के खूबसूरत घर में और ये बिल्कुल खेतों के दरमियान में मौजूद है। ये जी घर की मेन एंट्रेंस हो गई है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घर किस तरह से बनाया हुआ है। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये एक जिस तरह से एक अलमारी टाइप होती है और इसके अंदर बर्तन वगैरह रखे जाते हैं। और ये आप देखें, ये दांत है साग काटने के लिए और ये है जी तंदूर, जिसके अंदर रोटियां वगैरह पकाई जाती हैं। आजकल गर्मी का काफ़ी ज़्यादा मौसम है तो आप देख सकते हैं कि धूप भी तेज़ है। और सामने आप देख सकते हैं दीवारों के ऊपर ये जो नक्शनगार बनाए हुए हैं, ये बड़े ही बारीकी से बनाए जाते हैं और ये हाथों से ही बनाए जाते हैं। और दीवार आप देखें कि कितनी ज़्यादा प्लेन है। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं कि कमरा कितना खूबसूरत कलर किया गया है और पुरकशिश रंग जो है ना, वो कमरों को लगाए गए हैं, पुरकशिश कलर किया गया है। ये आप जो बर्तन देख सकते हैं, आज से 50 साल पहले इस तरह से बर्तन जो है ना कमरों के अंदर सेट किए जाते थे। और इसकी छत भी आप देख सकते हैं कि कानों की बनी हुई है
और ये गर्मी के मौसम में इंतहाई ठंडी रहती है। ये सामने आप देख सकते हैं कि घर का दूसरा दरवाज़ा है और इसी के साथ एक खूबसूरत दीवार भी बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। और अंदरूनी साइड पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत एक चूल्हा बना हुआ है, ये भी आप इसे कह सकते हैं कि आउटडोर किचन है ये। और ये एक सामने कमरा बना हुआ है। अंदर से आप देख सकते हैं कि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये किचन है सर्दियों वाला, क्योंकि ये जो इसकी छत है ये ब्लैक हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं मधानी है जिसके अंदर दूध रिड़का जाता है, और ये इसे कलवंजी बोलते हैं। और ये सारा सेटअप आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसको टोकरा बोलते हैं। घर के बाहर की तरफ आप सामने देख सकते हैं कि सारे खेत ही खेत हैं, और ये खेतों के दरमियान में एक घर बनाया हुआ है जो कि काफ़ी पुराने तर्ज अमल का है। और ये मुर्गियों के लिए कैज बनाया गया है, और इसके अंदर बकरी के छोटे लेले भी बंद कर दिए जाते हैं बाज़ औक़ात। अभी मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। ये दूसरी साइड पे भी इसका रास्ता बना हुआ है। ये प्योर मिट्टी से बने हुए कमरे हैं नाजरीन, बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बनाए गए हैं। और अभी आप देखें, मैं इधर से अंदर दाखिल हुआ था और इधर से बाहर आ गया हूँ। जी नाज़रीन, पंजाब के अंदर कुछ गांव ऐसे भी मौजूद हैं जहां पर आज भी बैलों के मदद से सारे काम किए जाते हैं। तो आज मैं उसी गांव में मौजूद हूं। आप ये देख सकते हैं कि बैलों की मदद से जो है गन्नों से रस निकाला जा रहा है ताकि इसका गुड़ बनाया जा सके। तेरा बच्चा लैंड से चला जा।
अभी जी गन्ने का रस निकालने के बाद इसे बड़े कढ़ाई में इसको पकाया जा रहा है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तक ये पकता रहेगा और उतनी देर तक दूसरी पत्त के लिए जो है ना गन्ने का रस निकाल लिया जाएगा, तब तक ये पक कर तैयार हो जाएगी। आपने अभी देखा कि ये सामने जो ट्यूबवेल लगा है ये टरबाइन सोलर पे चल रही है, साथ साथ तरक्की भी है पंजाब के अंदर और साथ अभी इन लोगों ने अपना कल्चर भी संभाल के रखा हुआ है। सामने अभी आप देख सकते हैं कि बैलों से भी काम हो रहा है और टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है जी पाकिस्तान का पंजाब। अभी इसके ऊपर जो कचरा होता है रस के ऊपर वो ऊपर आ जाता है पकने से, अभी इसको ऊपर से सफाई कर ली जाएगी ना, ताकि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा साफ़ हो जाए। अभी आप इसका कलर देख सकते थे लेकिन अभी ये साफ़ हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर से जो मैल होती है वो उतार दी गई है। नाजरीन इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर गन्ने का रस निकाल कर रखा गया है ताकि जब ये वाली तैयार हो जाए इसके बाद इस रस को जो है इस कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो गुड़ बनाया था उसकी पेस्टियाँ बनाई जा रही हैं और बैल भी जो है ना मुसलसल चल रहे हैं सुबह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। आहिस्ता आहिस्ता गन्ने से रस निकलता है। आज से 50 साल पहले इस तरह से गुड़ बनाया जाता था जो कि आज भी पंजाब के कुछ गाँव में मौजूद है जिसका पता। अभी जी सुबह से आपने देखा
के बैलों ने बेलने पर गन्ने का रस निकाला और अभी इनकी बारी है जनाब हल चलाने की। तो ये लोग सारा काम अपना बैलों की मदद से करते हैं, इसलिए अभी शाम का टाइम हो गया तो मौसम भी ठंडा हो गया, इसलिए शाम के टाइम ये लोग हल वगैरह चलाते हैं। तो ये भी रूटीन आपको अभी दिखाते हैं। No, 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 no,